नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द फैक्ट आई में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ लोगों से, युवा नौजवानों से, और जानने वाले हैं उनके विचार। हेलो। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिका है। कहाँ से हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं इंसान में रहती हूँ, मैं सीए कर रही हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ कुछ बड़े लोग आते हैं, छोटे वो आते हैं, यहाँ पर सभी तरह के लोग आते हैं और यहाँ आकर बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। इन्होंने कहा कि ये सीए कर रही हैं और काफ़ी लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं और बहुत ही पॉजिटिव फील करती हैं यहाँ आकर। आप हमें बताइए कि क्यों आते हैं आप लोग यहाँ, क्या आपको महसूस होता है यहाँ? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं बिलीव करती हूँ रियलिटी में, तो मैं ये कहूँगी जो लोग कुछ बुराई कर रहे हैं, बैकबाइटिंग कर रहे हैं इसके बारे में, तो वो खुद आएं और यहाँ आकर देखें कि यहाँ क्या है, रियलिटी में बिलीव करें। इनका कहना है कि इफ़ यू वॉन्ट टू सी द सनशाइन स्टेप आउट फ्रॉम योर होम, कि अगर आप सूरज की रोशनी को देखना चाहते हैं घर से बाहर निकलिए, खुद आकर देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है और मीडिया क्या दिखा रही है। आप बताइए कि मीडिया ने जो दिखाया है यहाँ के बारे में, उसके बारे में क्या विचार है आप? धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, जैसे ही सीबीआई का सच सामने आया है वैसे ही मीडिया भी सच दिखाएगी सामने। इनका कहना है कि बहुत ही जल्द मीडिया का सच सबके सामने आएगा। आप एक लड़की हैं, कितना एक सेफ अपने आप को महसूस करती हैं डेरा सच्चा सौदा में? मेरे मदर फादर सब यहाँ पर ऑल अराउंड 25 ईयर से आ रहे हैं, तो मैं बचपन से ही यहाँ आ रही हूँ और मैं 100% कम्प्लीटली सेफ हूँ यहाँ पर आकर। इनका कहना है कि बचपन से ये यहाँ आ रही हैं और बहुत ही सेफ अपने आप को महसूस करती हैं। अंत में बस इतना ही कि कितना एक बदलाव महसूस करती हैं यहाँ अब में और पहले में, कि जब बाबा जी यहाँ थे और अब जब वो यहाँ नहीं है। बस उनको मिस करते हैं कि वो यहाँ होते, हमें और अच्छा और करंट न्यूज़, करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें वो समझाते, बताते सब। बस वो जल्दी से जल्दी यहाँ आए और हमें समझाए। तो देखा आपने, आज भी इनका उतना ही विश्वास है जितना कि पहले था और इन्हें पूरी उम्मीद है कि बाबा राम रहीम जल्द ही इनके साथ होंगे।